नमस्कार दोस्तों, एवन स्टडीज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे हरियाणा की सामान्य ज्ञान को। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हरियाणा का सामान्य ज्ञान हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो नायब तहसीलदार का एग्ज़ाम हो, SI के एग्ज़ाम हो, पुलिस कॉन्स्टेबल का एग्ज़ाम हो। ये एग्ज़ाम अभी रिसेंटली हरियाणा में आने वाले हैं और साथ के साथ HTET का एग्ज़ाम आने वाला है नवंबर माह में। तो इन सभी एग्ज़ाम में हरियाणा GK पूछी जाएगी। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हरियाणा GK की स्पेशल सीरीज़ फटाफट आपकी रिवीजन के लिए। और इस सीरीज़ में इंपॉर्टेंट जो नोट्स मैंने बनाए हैं उनमें से जो आपके हरियाणा GK के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1967 में। राजधानी जो हरियाणा की है वो है चंडीगढ़। अगर हम बात करें जनसंख्या की दृष्टि से तो जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का स्थान है 17वां। अब चलिए बात करते हैं क्षेत्रफल। हरियाणा का क्षेत्रफल है 44,212। अब हरियाणा की जो स्थिति है भारत में वो कौन सी है, मतलब हरियाणा कहाँ पे स्थापित है इंडिया में, भारत में। तो हरियाणा स्थापित है उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिमी राज्य है भारत का। अगर हम बात करें हरियाणा के मंडल कितने हैं तो हरियाणा में छः मंडल है। पहले 4 मंडल थे, अब हरियाणा में 2 मंडल नए बने हैं, तो अब टोटल मंडल हो गए हैं 6 मंडल। जिले कितने हैं हरियाणा में, अभी हम इनकी कितने नंबर हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन से मंडल कौन से हैं 6 मंडल, इनके बारे में आपको बाद में डिटेल में बताया जाएगा। जिलों की बात करें तो जिले हैं हरियाणा में 22 जिले हैं। और अगर हम बात करें तहसील की तो 83 तहसीलें हैं। खंड है 126 और कस्बे हैं, जनसंख्या जो कस्बे की ये जो मैं आपको बता रही हूँ नंबर, या अकॉर्डिंग टू 2011 का जो जनसंख्या का सर्वे हुआ था उसके हिसाब से है, ठीक है। तो अब जो नया सर्वे है वो 21 में होगा, उससे पहले तक यही चलेंगे, यही नंबर चलेंगे। तो कस्बे कितने हैं, 154। और अगर कुल गांव की बात करें तो 6,841। टोटल ग्राम पंचायत कितनी है, 6,083। अगर हम पंचायत समिति की बात करें तो 119 पंचायत समिति हैं हरियाणा में। अब बात करते हैं जिला परिषद की। जिला परिषद है हरियाणा में 21 जिला परिषद है हरियाणा में। ये सारे आप नोट कर लीजिए, आप इनको एग्ज़ाम से जाने से पहले एक पेज में नोट डाउन कर लीजिए, एक बार फटाफट की प्रोविजन ले लेना अपने एग्ज़ाम में जाने से पहले। चलिए नगर निगम, हरियाणा में टोटल 10 नगर निगम हैं और जो 10वां नगर निगम है जो नया बना है वो है सोनीपत। अगर हम बात करें नगर पालिका परिषद की तो हरियाणा में 21 नगर पालिका परिषद है, नगर पालिका परिषद है हरियाणा में 21। अगर हम बात करते हैं विधानमंडल की तो हरियाणा में विधानमंडल एक है जो कि हमारी विधानसभा है। विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी होती है हरियाणा में, कितनी है, 91, जिनमें जो 90 हैं वो है निर्वाचित और एक है मनोनीत। अगला हमारा क्वेश्चन है लोकसभा सदस्य की संख्या कितनी है, तो लोकसभा सदस्य की संख्या है 10। राज्यसभा सदस्यों की कितनी संख्या है, तो राज्यसभा सदस्यों की संख्या है 5। प्रथम राज्यपाल हरियाणा के कौन थे, धर्मवीर। अब बात करें प्रथम मुख्यमंत्री की तो प्रथम मुख्यमंत्री थे भगत दयाल शर्मा। नेक्स्ट हम करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है। पहले मैंने आपको बताया था जनसंख्या की दृष्टि से स्थान है 17वां, और अब हम बात कर रहे हैं अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का स्थान है 20वां। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, तो भिवानी सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य है। सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य जो है हरियाणा का वो है फरीदाबाद, 743 किलो वर्ग किलोमीटर है फरीदाबाद, ठीक है। कुल जनसंख्या अगर हम हरियाणा की बात करें तो ये कितनी बनेगी हमारी, 2,53,51,462 हरियाणा की क्या है पॉपुलेशन। चलिए अब हम बात करें दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, ठीक है। अगर हरियाणा की दशकीय मतलब 10 सालों में कितनी जनसंख्या की वृद्धि होती है हरियाणा में, वो है 19.90%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है।
क्योंकि अब सिंपल जो क्वेश्चन हैं वाले कम हो गए हैं, अब थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन लेवल ऑफ एग्जाम बढ़ रहे हैं, रिपीटेड क्वेश्चन में कुछ ऐसे क्वेश्चन अब थोड़ा कॉम्प्लेक्स थोड़ा डिटेल्ड नॉलेज में डालना स्टार्ट कर दिया है। तो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है 19.90%। चलिए, भारत की कुल जनसंख्या का परिषद कितना है, ठीक है, प्रतिशत कितना है भारत की कुल जनसंख्या का हरियाणा में, तो 2.09%। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला हरियाणा का है फरीदाबाद। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है पंचकुला। सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला, जहाँ पे जनसंख्या की वृद्धि दर बहुत ज़्यादा स्पीड से हो रही है, वो है गुड़गांव, जिसे अब हम कहते हैं गुरुग्राम। सबसे कम जनसंख्या दृष्टि दर वाला राज्य अगर हम बात करें तो वो है झज्जर। 15 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिले हरियाणा में कौन कौन से हैं 15 लाख से ज़्यादा, तो 5 आते हैं, जिसमें करनाल, हिसार, गुरुग्राम, फरीदाबाद और भिवानी है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों की बात करें तो 15 राज्य आ जाएंगे इसमें। ये 15 राज्य कौन कौन से हैं, अम्बाला, सिरसा, जींद, करनाल, सोनीपत, भिवानी, फरीदाबाद, गुड़गांव, यमुनानगर, हिसार, पलवल, कैथल, पानीपत, रोहतक और मेवाड़। चलिए अब बात करते हैं सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, मतलब 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं या 10 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, जो सबसे ज्यादा है वो है फरीदाबाद का। अगर हम बात करें सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला तो वो है सिरसा। चलिए, भारत हरियाणा के जो राष्ट्रीय खेल है उसकी बात करें तो कुश्ती है, जो राजकीय पशु है, राजकीय खेल है कुश्ती, राजकीय पशु है नीलगाय। अगर हम बात करें राजकीय पक्षी की तो वो है काला तीतर। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आज के इस वीडियो में। इसका अगला पार्ट है वो जल्दी ही आपके लिए लेके आऊँगी। और ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपके लिए हेल्पफुल लगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए।